लोटस एंड बुल लोटस एंड बुल रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध को त्रिपिटिका ऑफ बुद्धिज्म हैं सुता पिटिका विनय पिटिका एंड अभिधाम पिटिका चार नोबल ट्रुथ हैं द ट्रुथ ऑफ मिजरी दुख है सफरिंग द ट्रुथ दैट मिजरी ओरिजिनेट्स विद इन द क्रेविंग फॉर प्लेजर एंड फॉर बींग और नॉन बींग दैट इज समुदय बिकॉज ऑफ दीज डिजायर्स ये सफरिंग्स होती है द ट्रूथ दैट दिस क्रेविंग कैन बी एलिमिनेटेड और इसका सोल्यूशन भी है और सोल्यूशन क्या है दिस एट फोल्ड पाथ एलिमिनेशन दिस फॉलोइंग मैथोडिकल वे और पाथ ये त्री रत्न है बुद्धिज्म के बुद्धा धर्मा और संघा बुद्धा धर्मा मतलब डॉक्टरइन और टीचिंग संघा मतलब दिस मोनेस्टिक ऑर्डर और, और कम्युनिटी महायान बुद्धिज्म फेथ के अकॉर्डिंग मैत्रियान फ्यूचर बुद्धा होने वाले हैं जो हमारी बॉडी होती है नॉर्मल लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड प्रेशर क्या है एडवर्ड जेनर ने डिस्कर किया था वैक्सीनेशन किस डिस का वॉट कैरीज ऑक्सीजन ब्लड सेल्स होते हैं वॉट कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस मेलाटोन सरकार मेलाटोन एंड टू रेगुलेट रिप्रोडक्टिव हार्मो एनीमिया इज कॉज बिकॉज ऑफ डेफिशंसीड इज रिलीज एंड बाइट बाइट चीटी काटती है तो कौन सा एसिड वहां पर होता है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है बिहमत दैट इज बहुत ह्यूज है ए नॉर्मस है लार्ज एंड पॉवरफुल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल एप्पल पैरानोया पैरानोया का मतलब होता है कि आप अननेसेसरी सस्पिशन हो रहा है मिसट्रस्ट हो रहा है अदर पीपल वर्ल्ड लीडर्स पैरानोइड विम्जिकल विमजिकल मीन्स बहुत टेम्परामेंटल है कैप्रिशियस नेचर है इंट्रीग इंट्रीग मतलब बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है डिज़ायर डिसोनेंस का मतलब होता है कि अग्रीमेंट नहीं है वहाँ पे हारमनी नहीं है बिटवीन पीपल और थिंग्स सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं इंडियंस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी सी जे आई साहब ने यहाँ पे कहा इसके कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं विल हैव अ रीलुप देन सेकेंड इज अबाउट दिल्ली पुलिस आज इनका स्थापना दिवस है वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल टू थ्री नाइन डबल ए एंड टू थ्री नाइन ए बी दिस इज़ अबाउट फायर क्रैकर्स फॉर्म लॉज टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स ये है कंटिन्यूटी नॉट चेंज इज़ बाइडेंस प्लान फॉर फलस्तीन फेलस्तीन में अभी अब्राहम अकॉर्ड के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और ट्रम्प इज गॉन बाइडन इज ईयर बाइडन की पॉलिसी क्या होगी विल है लोक देन दिस इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी इंडियन इन्वेस्टमेंट्स जियो स्पेटियल डेटा ये है लेदर बैक नेस्टिंग साइट्स टर्टल्स अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्नेक्स डब्लू टी ओ ये नई हेड है डब्ल्यू टी ओ की देन दिस इज एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है डब्ल्यू पी आई के सम देन ऑयल वाई आर पेट्रोल एंड डीजल प्राइस राइजिंग कीमत में उतना उछाल क्यों आ रहा है यह संदेश है मेड इन इंडिया मैसेजिंग एप और आज का हिंदी आर्टिकल है नागरिकता नागरिकता देन दिस इज सी सेट सोलूशन एंड सम क्वेश्चन सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अवर रेफरेंस मटीरियल ये फ्रंट पेज है द हिंदू का कॉम्प्यूटर्स रश टू गेट फास्ट टैग्स एज डेड लाइन एंड्स पॉइंट ऑफ सेल फास्ट टैग का दिस में रश हुआ वाई बिकॉज ये अब मैंडेटरी हो गया है फास्ट टैग फास्ट टैग होगा तो ऑटोमेटिकली जो टोल नाका वगैरह होते हैं वहाँ से आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे इससे पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है वो कम होगा सो विच इज़ अ गुड थिंग सेकेंड इसमें ऑटोमेशन के कारण दिस जो कलेक्शन होता है टोल कलेक्शन होता है वो कन्वीनियंट होगा

एक एक इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऐप होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के ऐप होते हैं आई कीप ऑन सेइंग आप अपने ऐप्स को एक बार देखो कि आपने कौन कौन सी परमिशन अपने एप्लीकेशन जो आपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है उनको ग्रांट कर रखा है अपने अपने फोटोग्राफ्स एस एम एस टेक्स्ट कॉल डिटेल्स बैंक डिटेल्स गैलरी वाई क्यों इनको ये सारी परमिशन प्रोवाइड की है अब थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को एक हमने आर्टिकल देखा था फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सी फेशियल रिकॉग्निशन मतलब कंप्यूटर जो है आईटी है मशीन्स हैं ये सर्वेलांस के लिए या फिर सम अदर पर्पज़ के लिए फेशियल रिकॉग्निशन हो सकता है क्राउड का ट्रैफिक का मॉब का इसके प्लस भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट में जब भी हम ये बात करते हैं तो ये केस याद रखना है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ बोला गया प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट right है इवन इन पब्लिक प्लेसेस एज वेल तो गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें जरूरत है यूजर्स का डेटा लेना है बट साथ ही साथ वहाँ पे प्रपोर्शनैलिटी टेस्ट भी होना चाहिए जो भी लॉज आते हैं वो बैक्ड बाय दिस लॉज ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए और एक एक्यूरेसी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले सारे मेजर्स वहां पे इंश्योर कराना जरूरी है सो दिस वॉज अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन अब ये तो गवर्नमेंट थी प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है तो सी जे आई ने कहा कि वी आर टेलिंग यू वॉट वी हर्ड एंड रेड पीपल थिंक दैट इफ ए सेंड्स अ व्हाट्सएप मैसेज टू बी एंड बी टू सी द सर्किट ऑफ मैसेजेस इज रिवील टू फेसबुक नाउ फेसबुक का कंपनी है फेसबुक कंपनी का इंस्टाग्राम भी है व्हाट्सएप भी है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जून को हमने देखा प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस सी फेसबुक जो है दैट इज़ बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी है ये सोशल मीडिया है तो यूज़र्स जो भी डेटा यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये यूज़र का एक प्रोफाइल बनाता है कि ये यूज़र किस एज ग्रुप में है इस यूज़र के क्या इंटरेस्ट है ये स्टूडेंट है टेक्नोलॉजी में है क्या ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है अगर कर रहा है तो क्या वो यूपीएससी का है या क्या है इस तरीके से ये सारा स्कूल का है ऐसे पूरा प्रोफाइलिंग करते हैं और उसके लिए आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होंगे सो दिस इज़ अ वेरी रिस्की थिंग सेकेंड जो व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज किया तो यूरोपियन यूनियन में बिकॉज वहाँ पे जीडीपीआर है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के लॉज हैं तो व्हाट्सएप ने यूरोप में अपनी पॉलिसी पर चेंजेस नहीं किए बट इंडिया में उसने कहा कि वो यूज़र डेटा जो है व्हाट्सएप का वो फेसबुक से शेयर करेगा तो इस बात पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पे यहां पे काफी बैकलैश हुआ फिर एक कमेटी है श्री कृष्णा कमेटी। इस पर भी हमने नोट तैयार किया है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी को एक बहुत अच्छा पीडीएफ शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे हैलो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ऑन फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनोमी सो दिस वॉज ट्वेंटी अब इन जनरल डेटा हार्वेस्टिंग क्यों हो रही है जैसे आप इंटरनेट यूजर हो इंटरनेट यूजर से आपकी प्रोफाइलिंग होगी और वो प्रोफाइलिंग से ये आपके डेटा को दिस एडवर्टाइजमेंट के लिए सेल करेंगे तो एक तरीका तो होता है एडवर्टाइजमेंट और उससे ये कंपनी अपनी रनिंग कॉस्ट रेवेन्यूज जनरेट करके वर्क करते हैं दिस इज़ अगेन एन एथिकल थिंग सेकेंड जो होता है जो अक्सर गवर्नमेंट के स्क्रूटिनी में आता है वो होता है सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग लाइक इलेक्शंस को ये इलेक्शंस को रिग करने की कोशिश करता है फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ से उसका थॉट प्रोसेस है उसको उसी टाइप का कंटेंट बार बार दिखाया जाएगा और सोशल इंजीनियरिंग करके उसके जो व्यू पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं या फिर वोट है इवन उसको भी इम्पैक्ट करने की कोशिश होगी सो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग देन एडवर्टाइजमेंट राइट थिंग इसलिए है बिकॉज राइट और रॉन्ग जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉज होता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगर विद इन लॉज हो रहा है देन इट इज़ एन ओके थिंग जुएजन होता है डिजिटल मार्केटिंग में मतलब आपके व्यू पॉइंट्स को शेप कर रहे हैं कुछ दिन पहले हमने एक और पॉइंट देखा था कॉग्नेटिव जो एबिलिटी होती है कॉग्नेटिव एबिलिटी इंडिविजुअल की उसके सोचने की क्षमता आप उसी को चेंज करो मॉडिफाई करो ये एक नया डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस का थिंग है इसमें सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं दे ऑल वॉट दे डू दे ट्राई टू मैनुपलेट योर सोशल कोग्नेटिव दिस थिंकिंग अब फेसबुक एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी चीज़ें आई तो द पॉइंट इज द राइट टू प्राइवेसी इन डिजिटल एज इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने अगेन ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड जून को भी देखा ऐप्स जो होते हैं स्पाइवेयर ज़्यादा होते हैं ऐप्स में क्यों ना हम सेंट्रलाइज के बजाय डिसेंट्रलाइज करें इससे ऐप का कई बार आप देखते हो डेटा इसका स्टील हो गया है बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा रिकॉर्ड यूजर रिकॉर्ड स्टील हो जाता है सो देर इज अ रिस्क अवेयरनेस होना चाहिए एंड लॉज इन फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है एंड डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए ऐप बनाना इज अ वेरी इजी थिंग बट द पॉइंट इज आपका जो मोबाइल है इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल करोगे मोबाइल विल स्टार्ट हैंगिंग हैंग हो जाएगा वो तो द पॉइंट इज डुप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए ईजी एंड कन्वीनियंट होना चाहिए इंडियंस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी अब ये जो टॉपिक है ना ग्रेव एप्रीहेंशन है पहले इंडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया जाता था कि प्राइवेसी का तो उनको कुछ मीनिंग है ही नहीं बट नाउ इंडियंस भी अवेयर हो रहे हैं प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट भी है और ये बात पुट्टा स्वामी केस में यहाँ पे डिक्लेयर भी हुआ था सो so, ये अगेन एक ऑनगोइंग टॉपिक है इसमें हमें व्यू पॉइंट्स ग्रेजुअली डेवलप करना है और जैसे अभी जस्टिस जस्टिस सीजे ने जो बात कहा इसको भी इंक्लूड करके हमें ऐसे स्ट्रीम एक मेच्योर व्यू पॉइंट डेवलप करना है इस प्राइवेसी वर्सेज टेक जाइंट्स एंड रोल ऑफ टेक जाइंट्स फेमस होना फॉलोवर्स बढ़ाना इसके लिए क्या एथिकल अनएथिकल ये जो प्रैक्टिस हैं वो कैसे चेक किया जाए रेगुलेट कैसे किया जाए ये जो पूरी चीज है ना ये कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है देर आर सो मेनी ग्रे एरियाज एज वेल द पॉइंट इज एक बैलेंस होना चाहिए रेगुलेशन का और एट द सेम टाइम फ्रीडम होनी चाहिए टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म एक्सप्रेशन पोथिंग सो देर हैजू बी अ बैलेंस इंडियंस कंसर्न अबाउट प्राइवेसी देन सेकेंड इज़ अबाउट दिस फास्टैग और ये है बैरिकेड्स और ये है दिल्ली पुलिस टूडे वी रि एट्रेट आवर कमिटमेंट टू पीस हारमोनी सेल्फलेस सर्विस एंड जस्टिस दिस इज दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस का सेलिब्रेट कर रही है सें ट्वेंटी फोर्थ रेजिंग डे अब दिल्ली जब भी नाम आता है तो हमें टू थर्टी नाइन डबल एन टू थर्टी नाइन ए बी आर्टिकल पता होना चाहिए There इज़ a difference बिटवीन NCT National Capital नेशनल कैपिटल टेरिटरी और NCR सी आर एन सी टी मतलब जहाँ पे चुनाव होते हैं जैसे दिल्ली की विधानसभा वगैरह सत्तर है यहाँ पे एन सी आर जो होता है उसमें सात वाले राज्यों के भी कुछ एरिया आते हैं हरियाणा का कुछ एरिया आएगा यूपी का आएगा राजस्थान का आएगा ये एन सी आर है तो एन सी टी एन सी आर आर्टिकल टू थ्री नाइन डबल एन ए बी इज़ अबाउट एन सी टी थ अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का इसमें दो आर्टिकल आए थे टू थ्री नाइन डबल ए एंड टू थ्री नाइन ए बी ये यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देते हैं टू थ्री नाइन डबल ए क्या बोलता है कि एक यूनियन टेरेटरी दिल्ली होगी जिसको बोला जाएगा नेशनल कैपिटल टेरेटरी एन और इसको गवर्नर करेगा गवर्न करेगा एडमिनिस्टर करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर अब इसमें एक एल ए बी होगा सत्तर सीट्स का दिल्ली में जो लॉज बनाएगा जो सब्जेक्ट्स हैं अंडर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट ऑन दोज मैटर पब्लिक ऑर्डर लैंड एंड पुलिस इसमें दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है ये चीज सेंटर के पास है पब्लिक ऑर्डर लैंड एंड पुलिस टू ए बी जो है टू डबल ए हुआ ये ए बी है ये प्रोवाइड करेगा प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर सस्पेंड कर सकता है ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ टू थर्टी नाइन डबल ए अगर लॉज मेड इन परसुएंस ऑफ दैट आर्टिकल को भी तो दिस इज़ अबाउट प्रेसिडेंट रूल अब ऐसा स्पेशल प्रोविज़न क्यों दिया है टू थर्टी नाइन डबल एंड ए बी बिकॉज दिल्ली जो है ये दिल्ली होने के साथ साथ हमारे कंट्री का कैपिटल भी है तो देअोर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे दिल्ली में फॉरेन डिप्लोमेट्स रहते हैं फॉरन एक्टिविटीज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका सीट दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट का सीट दिल्ली में सो दैट इज़ वाई कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है जैसे पब्लिक ऑर्डर लैंड एंड पुलिस एंड दिस इज नॉट अ न्यू प्रैक्टिस इवन यूएस में भी वाशिंगटन वगैरह में हम देखते हैं तो ऐसा कुछ स्पेशल स्टेटस है बजाय उसके उसके बाद भी सेंटर जो गवर्नमेंट है वो कुछ फीचर्स अपने पास रखती है बट इससे क्या होता है मिसमैच होता है अक्सर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दोनों के बीच में क्लैशेज होते हैं हमेशा ये बात आती है कि फुल स्टेटहुड दिल्ली को क्यों ना दिया जाए सो वॉट आर योर ओपिनियंस फुल स्टेट हुड टू दिल्ली फेवर में अगेंस्ट में प्रजेंट योर केस कि दैली को फुल स्टेट हुड मिलना चाहिए बिकॉज अक्सर जैसे प्रोटेस्ट के टाइम पर भी पुलिस के रोल पर सवाल उठते हैं लॉ एंड ऑर्डर लैंड पे आता है तो वॉट शुड बी द वे बट दिल्ली को अगर हम स्टेट हुड देंगे तो क्लैशेस के चांसेस और होंगे फिर डिसहार्मनी भी हो सकती है फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का भी लैप्स हो सकता है सेंटर और स्टेट देन सेंट्रल एक्टिविटीज़ जो इंपॉर्टेंट वी वी आई पी एक्टिविटीज़ है उसमें ग्लिचेज आ सकते हैं सो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स इस बात पे प्रेजेंट योर केस देन दिस इज अबाउट एडिटोरियल दिस इज टॉलरेंस डेफिसिट ये है डेथ ट्रैप दिस इज अबाउट लेबर रिफॉर्म्स लेबर रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ज़रूरी है एस्पेसली दिस फायर वर्क इंडस्ट्री में दिस इज नेसेसरी 2020 में हमने देखे बहुत सारे दिस इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स भी हुए गैस लीक भी हुआ था स्टायरिंग गैस लीक था तो द पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स जो हैं दे आर कॉज बाय दिस ह्यूमन्स ह्यूमन्स लेड होते हैं ह्यूमन लेड होते हैं और अगर प्रॉपर डिज़ास्टर गाइडलाइंस फॉलो करें तो इन डिज़ास्टर्स को काफ़ी हद तक हम चेक भी कर सकते हैं अब सी अर्थक्वैक आ रहा है सुनामी आ रही है इसमें हमारे हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें हम इसको बस मिटिगेट कर सकते हैं बट जैसे ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर है इनको हम कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हैं सी प्रॉब्लम ये होती है ग्रॉस वॉयलेशन होता है नॉर्म्स का गवर्निंग हैजार्डस इंडस्ट्री एंड ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हैंडलिंग एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में होता है मानवीय चूक अनलाइसेंस्ड यूनिट्स होती हैं ये मशरूम हो गई है इस शिवा काशी वेर इज सिवा काशी सिवाकाशी तमिलनाडु में है तमिलनाडु इज फेमस फॉर दिस फायर वर्कर इंडस्ट्रीज सिवाकाशी में एक बहुत बड़ा सेटअप है सिवाकाशी मोस्टली एस्केप स्क्रूटनी टिल एक्सप्लोजन अकर जब तक कुछ नहीं हुआ तब तक तो एवरीथिंग इज गुड बट जब डिजास्टर होता है ना तब फिर प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अरेस्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज होता है इंस्पेक्शन वार्निंग सेफ्टी एडवाइजरी ये सब चीज़ें होती है जब कोई डिजास्टर होता है बट कुछ टाइम बाद बैक टू बेसिक्स फिर ये सारी चीज़ें भुला दी जाती है एक और प्रॉब्लम है कि जैसे फायर क्रैकर इंडस्ट्री है उसका लाइसेंसिंग होना जरूरी है आपको लाइसेंस लेना है हेजार्डज एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रियल ओपन करने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा बट प्रॉब्लम ये होता है कि लाइसेंस ए कंपनी ने लिया वो उसको सब लीज करके बी कंपनी को दे देगी और बी कंपनी के पास लाइसेंस नहीं होगा इससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है अनट्रेंड वर्कर्स होते हैं पीस रेट सिस्टम होता है जैसे एक वर्कर ने सौ फटाखे बनाए तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा हज़ार बनाए तो उसके अकॉर्डिंग तो वर्कर बेचारा क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फटाखे बनाऊँ ताकि मेरी इनकम ज़्यादा हो और बस उधर ही फिर गलती होती है विच इंडस पीपल टू रेस लग जाती है टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स पर डे और इससे एक्सीडेंट्स होते हैं तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है यहाँ पे लेबर का स्किल करना उनको ट्रेन करना ज़रूरी है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग देती है वर्कर्स को बट द पॉइंट इज कोविड भी हो गया शॉर्टेज ऑफ लेबर भी है तो जो नए रिक्रूट्स हायर कर रहे हैं वो वेल ट्रेन्ड है नहीं वेल ट्रेनड है नहीं तो ये गलतियाँ ज़्यादा करते हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शंस फैक्ट्रीज में होना चाहिए सस्टेंड क्रैकडाउन एंड स्ट्रिंजेंट पेनल एक्शन होना चाहिए जो भी वॉयलेट कर रहा है और ये चीज़ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो नॉन नेगोशियेबल है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मैन पावर एनफोर्समेंट एजेंसी यहाँ पे जरूरी है अब सी यहाँ पे एक और एंगल आता है कि अगर हमको ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी है तो इसमें भी मल्टी अप्रोच चाहिए होगी एक तो पॉलिटिकल पुश चाहिए मतलब जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज हैं गवर्नमेंट इनको भी पुश करना चाहिए सेफ्टी एंड इस पर एम्फेसाइज करें कि सेफ्टी ना मतलब एक कल्चर बन जाए हमारा लेबर रिफॉर्म्स जरूरी है और टेक इनोवेशन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड कि क्यों ना हम जो केमिकल्स और ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे मशीन्स के थ्रू काम करें ताकि डैमेज भी होगा तो मशीन का होगा एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ तो सेव हो जाएंगे टेक इनोवेशन रिक्वायर्ड सो दिस इज़ अ केस ऑन दिस सेवाकासी फायर क्रैकर डिज़ास्टर्स देन सेकेंड जो है दिस इज़ अबाउट फॉर्म लॉज एंड टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स सी अक्सर ये बोला जाता है जैसे हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है एग्रीकल्चर का जो भी इनकम होता है उस पर टैक्सेशन नहीं होता है एग्रीकल्चर में आपको सब्सिडी भी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिलता है फ्यूल की सब्सिडी मिलता है और आपको से uh, एग्रीकल्चर फ्यूल सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी मिलता है सो देर इज़ अ सब्सिडी कल्चर फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन हुआ उस पर फिर एम भी गवर्नमेंट अश्योरेंस देती है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम इतने प्राइस पर हम खरीद ही लेंगे तो द पॉइंट इज़ क्या जो एग्रीकल्चर है उसको इतने सारे हमने दिस बेनिफिट्स दिए हैं क्या ये उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इज़ इट बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स एग्रीकल्चर प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाया एग्रीकल्चर प्रॉपर्टली प्रॉपर्ली बेनिफिशियल नहीं हो पाया प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो क्या ये रीज़न है To show शो इंडियन एग्रीकल्चर being बीन नेट to टू आर्ग्यू the द laws लॉज पुअर conceptual वैलिडिटी इस आर्टिकल में ब्रॉडली बोला गया है कि जो ये कंसेप्शन है ना कि हमने नेट टैक्स है एग्रीकल्चर नेट टैक्स है नेट टैक्स का मतलब फार्मर्स वर कैप्ड आर्टिफिशियली लोअर देन व्हाट दे शुड हैव आर्टिफिशियली लोअर देन व्हाट दे शुड हैव बीन इनका प्रॉपर बल इनकम राइज नहीं हुआ कल अशोक दलवाई कमेटी देखा था सो इट वॉज आर्ग्यूड दिस नेट टैक्सेशन एग्जिस्ट एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्शनिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फार्मर्स ऑफ हायर इंटरनेशनल प्राइसेस एंड एडमिनिस्ट्रेट प्राइस सिस्टम ने डिप्राइव किया फार्मर्स को ऑफ हायर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस तो क्या ये ऐसा है अब ये रेफरेंस लेते हैं मिल्क से कि मिल्क जो है मिल्क को हमने फ़्री कर दिया सोसाइटीज़ बनी तो जो मिल्क है इंडिया का पर कैपिटा भी अच्छा है मिल्क में मिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया इज़ डूइंग रियली वेल तो क्या जो मिल्क के साथ पैरेलल्स ड्रा करने चाहिए एग्रीकल्चर के इसमें एक और पॉइंट है कि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो हम कंपेरिज़न करते हैं से ओ कंट्रीज़ में हम कम्पेरिज़न करते हैं से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई यूरोप हो गया यू हो गया अब इनका केस बहुत डिफरेंट है इंडियन केसेस डिफरेंट तो डायरेक्ट कंपेरिजन इज ऑल्सो नॉट राइट डायरेक्ट कंपेरिजन विद इंटरनेशनल पैरामीटर्स से अगर हम देखेंगे तो ये एक फ्लॉड लॉजिक होगा बिकॉज इंडिया का यूनिक चैलेंजेस है एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है तो एग्रीकल्चर को अगर हम ये सेफ्टी नेट्स देते हैं तो इन अ वे एक वेलफेयर का भी एंगल है जो इन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है सो दैट इज वाई एग्रीकल्चर में अगर हम ईजी हो भी रहे तो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग इट्स इनफैक्ट अ गुड थिंग तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स देन दिस इज अबाउट कंटिन्यूटी नॉट चेंज इज बाइडेंस प्लान फॉर पैलेस्टीन यू एस हैज रिटर्न टू प्री ट्रम्प स्टांस ऑफ सपोर्टिंग टू स्टेट सोल्यूशन इन प्रिंसिपल बट इज डूइंग लिटिल टू रीच दैट गोल सी हमने देखा है कि ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप देखना पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे फॉर सम टाइम आप देखना बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं आता है फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज होती है प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं बट जो फॉरन पॉलिसी है वो मोरल लेस हमारी एक जैसी होती है ज़्यादा चेंजेस नहीं आते सिमिलर इज़ विद यूएसए यूएसए में ट्रंप इज गॉन बाइडेन आ गए हैं बट बाइडेन की भी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं आते डायरेक्शन सेम रहता है तो ये डायरेक्शन बताया है दिस पलस्तीन के रेफरेंस में वेर इज पेलस्तीन ये यहाँ पे पलस्तीन है फलस्तीन का भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है एक जाइन मूवमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर में हम पढ़ते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ इन जुश कम्युनिटी का फिर जुश कम्युनिटी ने यहाँ पे एक मूवमेंट में अपना दिस एरिया बनाना चालू किया यहाँ पर पहले पलस्तीन था फिर जो इसराइल है वो एक्सपैंड होता गया पलस्तीन श्रिंक होता गया और फिर इसी बीच में आता है डोनाल्ड ट्रम्प का मिड ईस्ट प्लान बिफोर दैट यहाँ पर वॉर्स भी हुआ तो दैट इज़ वाई इन जनरल इसराइल और दिस अरब वर्ल्ड इन इतना फ्रेंडशिप नहीं रहा है बिकॉज इसराइल यहाँ पर एक्सपैंड हुआ और इनका एरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ औसलो अकॉर्ड हुआ और इसराइल और यू की हमेशा से अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी ओस्लो अकॉर्ड हुआ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इसराइल पलस्तीन लिबरल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ पीस की बात हुआ सीज़ फायर हुआ और ऐसे टेरिटरी एक्सचेंज की भी बात हुआ फिर इजिप्ट 1995 ऐसे हुआ आज की डेट में अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो पलस्तीन केवल दो जगह है यहाँ पर है वेस्ट बैंक ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप ये दोनों पलस्तीन है वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक इस साइड है गाजा स्ट्रिप यहाँ पे मेडिटेरेनियन के पास में और बाकी जो ये पूरा एरिया है दैट इज इज़राइल, ये इसराइल हो गया है। अब वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में फलस्तीन है ओके अब ट्रम्प आते हैं ट्रम्प बोलते हैं ट्रम्प का एक और इसमें अंडरटोन ये था कि ट्रम्प वाज वेरी इंटरेस्टेड कि पीस प्राइस समथिंग अगर नोबेल मिल सके तो इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी एक्टिवली काम किया था एक एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि वाई वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में मेडल करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों थे पलस्तीन में पीस स्टैब्लिश करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों थे द पॉइंट इज़ इसको सॉल्व करने के लिए ट्रंप ने एक प्लान बताया प्लान बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कुछ एरिया जो है वो इसराइल ज़्यादा यहाँ पे कर ले फिर एक टनल बनाने की बात करेंगे और यहाँ पलस्तीनियन को भी एक रिकग्निशन मिल जाएगा इसराइल सिक्योरिटी को इसराइल को ज़्यादा फेवर किया इन्होंने सेकेंड जो इसराइल का तेल अवीव था उससे यहाँ एम्बेसी ट्रांसफ़र कर दिया जैरूसलम में तो ट्रंप का प्लान था वो फेवर किया इसराइल को बट ट्रम्प ने रिकॉग्नीशन की बात किया फलस्तिन को भी अब इसके बाद से जो पलस्तीन का जो केस है ना वो वीकन होता जा रहा है बिकॉज़ पहले इसराइल और बाकी अरब कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स था और अरब कंट्रीज सपोर्ट करते थे फलस्तनीन कॉज को भी बट कोविड नाइन्टीन हुआ इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है हर कंट्री अब इकोनॉमिक वे में पहले सोचती है तो यू ए बिकॉज ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट है यू ए चाहता है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स करे और उसके लिए यू ए को इसराइल के साथ फ्रेंडशिप करने में प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो फिर होता है दिस यू ए बहरीन इसराइल इन सब के साथ ये अब्राहम अकॉर्ड होता है ये यू एस यहाँ पर अगेन यू एस मिस्टर ट्रम्प का इंपॉर्टेंट रोल है तो इसमें क्या होता है टू स्टेट सॉल्यूशन में ये नया डेवलपमेंट होता है कि यू अब रिकोगनाइज़ज़ करेगा इसराइल को इसराइल को बिकॉज अरब वर्ल्ड ने अभी तक रिकोगनीशन भी नहीं दिया था यू ए ही करेगा इसराइल को और फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे और इसराइल इसके बदले में हॉल्ट कर देगा जो एक्सपेंशन इसराइल कर रहा था फलस्तिनियन वेस्ट बैंक में तो ये एक डील हुआ फिर सिमिलरली यूएसए रिकॉग्नाइज कर लेगा जेरूसलम एज़ कैपिटल ऑफ इसराइल और सोवरेनिटी ऑफ सीरियन गोलन हाइट्स पे भी ये यूएसए ने बोला अरब डी कपल करेगा फलस्तीन के सवाल को अब फलस्तीन और साइड लाइन होता जा रहा है अब देखते हैं जो बाइडन है वो यूएस पॉलिसी क्या लाते हैं फलस्तिन इशू में ओके ये सऊदी ब्लॉक है कल ये यमन देखा था ये ओमान है ये यू है दिस इज कतर फिर यहाँ पे बहरीन है बहरीन एक आइलैंड है ये सऊदी है जो इसराइल है इसराइल यहाँ पर रेड सी में भी एक ओपनिंग है इसराइल की यहाँ पे एंड दिस इज़ मेडिटेरेनियन और ये वाले जो दोनों दोनों हैं वेस्ट बैंक और दिस इज गाज़ा स्ट्रिप सो आज की डेट में अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो पलस्तीन है वो थोड़ा कॉर्नर होता नज़र आ रहा है लेट अस सी बाइडन का क्या इसमें पॉलिसी होता है इंडिया के रेस्पेक्ट में इंडिया ने हमेशा से पलस्तीन का भी सपोर्ट किया है इसराइल इज़ ऑल्सो फ्रेंड तो हम अगेन यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं दैट्स ऑल्ट द इंट्री केसिस ऑफ वैक्सीन साइंस ये आर्टिकल है द इंट्री केसिस ऑफ वैक्सीन साइंस वैक्सीनेशन का नया वैक्सीनेशन भी आएगा डेटा केयरफुल होना चाहिए डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेशन फॉलो करना चाहिए एंड डोन्ट लेट द गार्ड्स डाउन ये रेगुलर बातें यहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट एन बी आई टी दिस बी आई टी हम जो बायोलिट्रल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जैसे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल हम बना रहे थे श्रीलंका में श्रीलंका ने उसको कैंसिल कर दिया जापान बहुत ज़्यादा इस बात पे फ्यूरियस था इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन उठाए द पॉइंट इज यहाँ पे एक सेफ्टी नेट होना चाहिए श्रीलंका पुल आउट फ्रॉम कोलम्बो पोर्ट डील कॉल्स फॉर री अप्रोच टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और इसको सेफ कैसे करें अगर ऐसा होस्ट कंट्री उसको कैंसिल करती है तो दैन दिस इज द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी इस आर्टिकल में प्राइमरली जो बात किया है वो किया है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो हैं इनमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए वाइस चांसलर या फिर जो टीचर्स हैं इवन प्रोफेसर हैं अपॉइंटमेंट शुड भी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन इको सिस्टम टीचिंग रिसर्च इनोवेशन ऑन्टरप्रिनोरशिप सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन सब चीजों को एनकरेज करना चाहिए इफ यू मूव फर्दर दिस इज बैंकिंग एंड इट्स डिसकंटेंट दिस इज ग्रेव इम्प्लीकेशन जियो स्पेटियल डेटा पॉलिसी लिबरलाइज वॉट इज जियो स्पेटियल डेटा जैसे रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं हम कहीं के कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट कर रहे हैं दिस इज जियो स्पेटियल डेटा अब इसकी जो एजेंसीज हैं उसमें भी लिबरलाइजेशन करने की बात है गवर्नमेंट बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी लाइसेंस वगैरह देके वो जियो स्पेटियल डेटा कलेक्ट कर सकती है स्टोर कर सकती है और दिस एनालिटिकल वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं मैप्स वगैरह वॉट तो इससे क्या होगा डेटा कलेक्शन में स्पीडअप होगा प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री होगा और इससे ये जो चीज़ें हैं ना जैसे सर्वे करना मैपिंग करना बिल्डिंग एप्लीकेशन करना अप्रूवल जो है इनका उसको डी रेगुलेट करने की बात है प्राइवेट सेक्टर आएगा तो मैपिंग सर्वेइंग एंड डेटा ज़्यादा कलेक्ट होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग मूव हेल्प करेगा ड्राइव इनोवेशन एंड बिल्ड स्केलेबल सॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा एंड ऑल तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा ये बात बोला दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने भी जियो स्पेटियल डेटा पॉलिसी लिबरलाइज्ड है प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर अब ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एनकरेज की जाएगी ये क्या है जेंटल जेंटल ये लेदर बैक नेस्टिंग वेस्ट बे लिटिल अंडमान में टर्टल और टोटोइ इनमें डिफरेंस हमें पता है लेदर बैक नेस्टिंग साइट कुड बी ओवर रन बाय अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अब वॉट इज अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये न्यूज भी हमने फर्स्ट ऑफ फैप को आई थिंक पढ़ा है जब अब बुलेट थ्रू एन आईलैंड हार्ट आया था मेगा सिटी प्लान है लिटिल अंडमान में अंडर थ्रेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने बनाया था कि जो अंडमान निकोबार है इसको हम काइंड ऑफ सिंगापुर की तरह क्यों नहीं डेवलप कर सकते बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं द दिस दिस द चैलेंजेस ये हैं कि इससे नुकसान ये हो सकता है कि यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स हैं इनकी आइडेंटिटी लॉस हो सकता है इनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ सकता है ये रिजर्व फॉरेस्ट है हमारा एनवायरमेंट लॉस हो सकता है फ्लोरा फ्लोराफोना यहाँ पे हैबिटेट और फाइनेंशियली फीजिबल होगा या नहीं होगा बिकॉज ये फ्रेजाइल है राइट्स वर्नरेबिलिटी अर्थ क्वैक इन सुनामी तो इस आर्टिकल में बात किया है कि प्रपोज्ड इंटेंसिव ग्रोथ इन आईलैंड कॉन्ट्राडिक्ट करेगा नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान को भी जो एम ओ ने बनाया था टर्टल्स ये जो टर्टल्स होते हैं ना ये अक्सर यहाँ लैंड पे आते हैं जब इनका नेस्टिंग ब्रीडिंग का टाइम आता है ऐसे करके ये एग्स डालते हैं इंडिया में भी ये जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा आंध्रा यहाँ पर इनकी फेमस साइट्स है ऋषिकुल्लिया टर्टल हम पढ़ते हैं तो द पॉइंट इज इनके राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए अदरवाइज पॉपुलेशन में सीवियर इंपैक्ट होगा अगर अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं न्यू कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन नब्बे दिन में आ जाएगा नया वैक्सीनेशन आ रहा है दिस इज़ अबाउट कमला हैरिस मोर स्टूडेंट गेटिंग बैक टू स्कूल एक्सलेंट वर्क इन प्रोग्रेस दिस इज स्नैक ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे सर्प है स्नैक हब है स्नैक लेंस है स्निकपीडिया है जो मोस्ट ऑफ द स्नैक्स होते हैं ना वो पॉइजनस नहीं होते हैं तो अननेसेसरी पैनिक वगैरह नहीं होना चाहिए और जो एक्सपर्ट्स हैं कॉल दैम दे विल कम एंड टेक केयर ऑफ एवरी थिंग सो दिस इज द थिंग स्ट्रेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड और ये है ंग सुकी टू फेस कोर्ट दिस वीक प्रोटेस्ट बहुत अभी डेलिकेट सिचुएशन है म्यांमार में आफ्टर इम्पीचमेंट नीचमेंट अक्विटल के बराबर हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो कैपिटल में वॉयलेंस हुआ था उसके चार्जेस से अब अक्विटल भी मिल गया है इन्हें तो अब डोनाल्ड ट्रम्प है इनका जो प्रेसिडेंसी था फोर्टी फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इनकी प्रेसिडेंसी में जो भी हुआ था इनको अब अक्विटल हो गया है अब ही इज फ्री फॉर नेक्स्ट तो यूएस में दो बार इलेक्शन लड़ सकते हैं तो ही इस थिंकिंग कि ये वापस अपना पॉलिटिकल मूवमेंट रीबिगिन करेंगे लैंडस्लिप है इसराइल मिसाइल स्ट्राइक्स इन सीरिया ये है नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला अपॉइंटेड डब्लू टी ओ हेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रुगवे राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे फिर उसके बाद बना था डब्लू टी ओ कपल ऑफ डेज बैक ये बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि जो नेक्स्ट डायरेक्टर है नेविगेट करना पड़ेगा थ्रू अ स्ल्यू ऑफ थॉर्नी इश्यूज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रेड एक जो है वो मेजर बैकबोन रहा है हर कंट्री का जो कंट्री ट्रेड में अच्छा होता है उस सिविलाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है जो कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है उसका फॉरेक्स बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है तो इंडिया को ट्रेड डेवलप करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है नाइजीरिया साउथ कोरिया तो नाइजीरिया की आप यहाँ पे दिस चीफ बने हैं। no. अब WTO में हमने चैलेंजेस देखे थे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पे सवाल उठ रहे रिवाइवल ऑफ मैकेट बॉडी करना पड़ेगा दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में डेवलपमेंटल सेंट्रिक ग्रोथ होनी चाहिए एडवांटेज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज को कम मिलता है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे यूएस अक्सर सेंशन लगा देता है बट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज और इस गैप को फिल कैसे करें सब्सिडी रिजीम में इंडिया वर्सेज डब्लू टी ओ एंड डेवलप्ड एं कंट्रीज अक्सर होता है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जो 2017 में आया था इसका इंप्लीमेंटेशन करना सक्सेसफुल ज़रूरी है पैंडमिक है डी है और रीजनल ब्लॉक्स बिकॉज सब जगह अभी क्या ट्रेंड चल रहा है सेल्फ रिलायंट और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ज़्यादा हो रही है ट्रेड में ट्रेड डिस्टोशन प्रैक्टिस हो रही है और ट्रेड एज अ वेपन यूज़ हुआ है ट्रेड वेपन स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना तो वैक्सीनेशन कंपलसरी लाइसेंसिंग और ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे डब्ल्यू टी को अभी यहाँ पे डिफिकल्ट वॉक रहेगा इनका स्ट्रॉन्ग डब्लू टी ओ डब्लू टी ओ मतलब ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाइटल है ताकि हम रिकवर करें आफ्टर दिस डिवास्टेशन ये बात कहा आपने इकोनॉमिक भी रहे इन अ स्टेटमेंट सो योर क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ नोट ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्लू टी ओ इंपॉर्टेंट बॉडी है इस बॉडी के बारे में आप सब पढ़िए ऑर्गेनाइजेशन कब होती है ये कब बनी थी क्या अग्रीमेंट है इन लाइन पे की ट्रिप्स क्या है देन डेवलप्ड डेवलपिंग सब्सिडी में कैसे चैलेंजेस आते हैं इंडिया का क्या रोल एंड स्टैंड होता है प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस डब्ल्यू टी ओ अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट फ्रॉम क्लैशेज़ बिटवीन ट्रूप्स ऑन द एल एस सी टू डिस एंगेजमेंट यहाँ रेगुलर टॉक्स है कि कैसे अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में दिस क्लैशेज़ हुए फेस ऑफ हुआ अब डिस एंगेजमेंट हो रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्ज वेरी गुड सिक्स पॉइंट टू परसेंट सर्ज हुआ इम्पोर्ट कम हुआ तो इम्पोर्ट कम करना है एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादा पैसे हम कमाएंगे और खर्चे कम होंगे एक्सपोर्ट सर्जेस सिक्स पॉइंट टू इम्पोर्ट्स राइस टू परसेंट आउटबाउंड ट्रेड रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ सेकेंड मंथ इन रो में क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट दिस था वेरी गुड डेफिसिट देखिए इससे क्या हुआ नैरो हुआ है डब्लू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्विकन हुआ ईजिंग इन दिसंबर डब्लू पी आई सी पी आई हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है आप बताओ देन स्टेट्स फिजकल डेफिसिट टू नैरो दिस नेहरोल डेफिसिट भी नैरो फोर पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी ये बात अच्छा है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू तक ये पॉसिबल होगा एफ आर पी एम ऑयल थर्टीन मंथ हाई है मार्केट रीबैलेंस हो रहा है केन इंडिया बोल रहा है राजस्थान में उसको गैस प्लांट्स लगाने की बात है यूनिट्स और दिस इज स्पोर्ट्स अश्विन ने कल सेंचुरी किया वेरी गुड एंड दिस इज स्पोर्ट्स नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस है सी जी आई टू व्हाट्सएप देन दिस इज एडिटोरियल टूल किट एंड दिस इज रिटर्न ऑफ सी ए बियर बिफोर ब्रेड ये यहाँ पे कल बियर फैक्ट्री मिली है एंशियट इजिप्ट में अनकवर हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन दिस इज चिपको टू हैामोली यहाँ पे बात है इको फ्रेजिलिटी जो हिमालयन इको सिस्टम है ये काफी फ्रेजाइल है सो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बाइनरी मस्ट बी ट्रांसेंडेड टैक्स रिजीम चेंज की बात है न्यू डिजिटल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं राजा मोहन साहब का आर्टिकल है कि गवर्नमेंट वर्सेज जो टैक्स जॉन्ट्स हो रहा है डिजिटल जाइंट में इसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है ट्विटर फेसबुक एप्पल गूगल ये कोई कंट्री नहीं है ये प्राइवेट कंपनीज हैं दीज आर प्राइवेट कंपनीज तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज़ आर ग्रेटर देन एनी गवर्नमेंट बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों ने चुना है वहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्राइवेट कंपनीज शुड नॉट बिकम बिगर देन दिस गवर्नमेंट्स हाउ कांग्रेस और गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है अकाउंटेबल है अगले साल इलेक्शन होगा हम देखते हैं तो जैसे ट्रम्प का था तो द पॉइंट इज गवर्नमेंट का अथॉरिटी शुड बी हायर देन दिस प्राइवेट टेक बिकॉज अकाउंटेबिलिटी लाइज हियर देन दिस इज प्रोटेस्ट देन दिस इज केरला वाई आर पेट्रोल डीजल राइजिंग पेट्रोल डीजल राइजिंग क्यों हो रहा है सी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस अप होगा तो पेट्रोल का प्राइस अप होगा तो दिस इज़ द एक पैरल ड्रॉ है बिकॉज हमने डी रेगुलेट कर दिया है कल हमने देखा था टैक्सेस लगते हैं सेंट्रल टैक्सेस लगाता है एक्साइज फिर वैल्यू एडिशन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है तो क्रूड ऑयल फिर उसमें इनपुट कॉस्ट और फिर टैक्सेशन करके जो पेट्रोल पंप में जो कीमत मिलती है वो बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा अब क्या होता है कि हमने बिकॉज डी रेगुलेट कर दिया अभी कुछ टाइम पहले प्राइस अगर बहुत कम हो गई जैसे तीस डॉलर पे आ गया पर बैरल तो सरकार क्या करती है प्राइस अकॉर्डिंगली कम नहीं करती बिकॉज वहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है गवर्नमेंट को पैसे इजी मनी अर्न करने का बट जब प्राइस ऊपर जाता है जैसे अभी डॉलर सिक्सटी डॉलर पर बैरल हो गया तो गवर्नमेंट फिर उसको डीरेगुलेट ही होने देती है और टैक्सेशन उतना का उतना ही बना होता है तो फिर पेट्रोल का रिटेल प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो इजी मनी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है That is why वो इस ईजी मनी को लेट गो नहीं करना चाहती जी एस टी क्या पेट्रोल में लगता है आंसर दिस क्वेश्चन ये है संदेश मेड इन इंडिया मैसेजिंग एप सर्ट इन है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इसने एडवाइजरी दिया था इनसे जूम से व्हाट्सएप से, से जिसे आप देखना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशल हैं उनका ई मेल आई डी वो क्या देते हैं जी मेल डॉट कॉम इज इट द राइट थिंग जी तो एक प्राइवेट कंपनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल है सरकारी काम हो रहा है कॉन्फिडेंशियल वर्क है जी क्यों यूज़ कर रहे हैं उनको एन आई सी डॉट इन का मेल मिला है सो दिस इज़ द थिंग सेकेंड आजकल बहुत सारे ऑफिसेज में डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना सब व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स ऐसे सेंड हो रहे हैं तो इट इज़ इट इज़ कन्वीनियंट है ऐसा हो रहा है बट सेफ्टी सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इंडिया का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता नजर आ रहा है तो दैट इज वाई ये संदेश ऐप है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम डिजिटल इंडिया एन ने ये बनाया है ऑल्टरनेट व्हाट्सएप वगैरह हम इसे बोल सकते हैं देन दिस इज पेट्रोल डीजल दिस इज संदेश ऐप ये है मीट द मैंडर इन डक रेयर एंड ब्यूटिफुल विजिटर है असम का असम देन दिस इज स्टॉम सुकी डिटेंशन ऑस्ट्रेलिया में मीडिया स्ट्राइक्स फॉर्म स्ट्राइक एक डील स्ट्राइक किया है गूगल न्यूज पे डील पे Then this is byju's this is NCLAT and this is RBI. So this is the Indian Express. ab hum hindi article dekhte अब हम हिंदी आर्टिकल देखते हैं हिंदी आर्टिकल में आज बात करते हैं नागरिकता की नागरिकता कल हमने आर्टिकल ab hum article देखा था अब हम आर्टिकल of you jo abhi preparation start kar जो अभी na स्टार्ट कर रहे हैं time in preparing notes योर टाइम इन प्रिपेरिंग नोट्स बिकॉज शुरू में हमको बहुत सारा नॉलेज तो होता नहीं है हमको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है हम उसको लिखते ही रह जाते हैं अभी आप पहले एक आइडिया लो वॉट इज दिस एग्जाम इसकी बुक्स क्या है फेमिलराइज हो चीज़ों के बाद फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है इसको ऐसे करना है गो थ्रू सिलेबस फिर आप इस नोट मेकिंग या फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तब आप फिर इसको करो बट पहले आप उसके लिए तैयार तो हो एक बेसिक फाउंडेशन तो रेडी करो अदरवाइज वेस्टेज ज़्यादा होगा सो फर्स्ट गेट फेमिलियर एन रीडिंग राइटिंग ये चीजें अपनी फिक्स करिए ये ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा पढ़ना आता है कि नहीं आता है जल्दी जल्दी पढ़ पाते हैं राइटिंग आती है या नहीं आती बिकॉज ये पूरा एग्जाम ही बाबूगिरी का है पेपर वर्क है पूरा द सिविल सर्विसेज आपको रीडिंग राइटिंग इन सब में पता होना चाहिए एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री क्या है देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए डोंट जंप नागरिकता अनुच्छेद पाँच सौ ग्यारह अपसी भारत के संविधान में भाग दो है भारत को नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स हैं 26 नवंबर 1949 के इसके कुछ फीचर्स इंक्लूड हो गए थे फुल फ्लैज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी में 1950 बट कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता से रिलेटेड नवंबर 49 में ही आ गए थे इसमें पाँच से ग्यारह तक के आर्टिकल्स हैं और इंडिया कल हमने बताया था इंडिया क्या है स्टेट्स क्या है नाम क्या है एरिया क्या है अब यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो ये आएगा सिटीजन नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया और यहाँ पे नागरिकता रिलेटेड इनको राइट्स मिले गए अब ये आर्टिकल देखते हैं अनुच्छेद मतलब आर्टिकल जन्म से भारत का नागरिक हो हो यदि कोई व्यक्ति भारत भारत में जन्मा हो, तो वो भारत का नागरिक होगा उसके माता पिता भारत में जन्मे हो माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार पांच वर्षों तक भारत में रहा हो तो वो भारतीय नागरिक होगा अब सी इसमें दो चीज समझना है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो केवल एक डायरेक्शन बताते हैं उसकी जो डिटेल्ड चीजें होती है वो आती है यहाँ से जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है राइट टू वोट बट डिटेल चीज आती है आर पी ए से राइट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फिफ्टी फिफ्टी वन से तो सिमिलरली डिटेल यहाँ पे आएंगे इसमें भी चेंजेस होगा कि कंडीशंस लगाएंगे फादर मदर फिर एट्टी सेवन ऐसे करके बट द पॉइंट इज जन्म से भारत का नागरिक हो अनुच्छेद छ है पाकिस्तान से माइग्रेट करने वालों को नागरिकता दी थी बिकॉज पार्टीशन हुआ था बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए तो उनको नागरिकता दिया सेवेंथ में है भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करने वाले फिर वो वापस आना चाहे तो उनके लिए सेवेंथ है एट्थ है पाकिस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर कोई जन्मा है भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता है वो इंडिया में आना चाहता है उसके लिए ये एट हो गया नाइन हो गया विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना बिकॉज इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है अगर आप इंडियन हो तो आप इंडियन हो ऐसा नहीं कि आपने एक फॉरेन कंट्री की भी ले लिया और इंडिया का भी ले लिया फॉरेन कंट्री का लोगे तो अपने आप आपका यहाँ का टर्मिनेट हो जाएगा नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता रहेगी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी और जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरे लॉज हैं इन सब चीज़ों में चेंजेस करने का एंड इसको बनाने का जैसे कि ये सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये पूरे हो गए आपके नागरिकता के राइट इसका भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी ओके सो दिस इज आर्टिकल फाइव टू इलेवन अब हमने आर्टिकल वन टू फोर में कंट्री के बारे में देखा आर्टिकल फाइव टू इलेवन में कंट्री में रहने वाले लोगों के बारे में देखा अब आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव तक हम देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स क्या मिले हुए ओके अब ये सी सेट है सी सेट में हमेशा आज के हिसाब से ये देखना चाहिए एज वाली इससे आसान हो जाता है जैसे आज की डेट में एज ऑफ डॉटर एक्स था कल का सवाल है तो मदर कितना हो गया थ्री एक्स दस साल लेटर लेटर मतलब और आगे बढ़ो तो एक्स प्लस टेन मदर में भी एक्स प्लस टेन बिकॉज दस तो दोनों में बढ़ा तो प्लस टेन प्लस टेन थ्री एक्स प्लस टेन अब का कंडीशन दिया है थ्री एक्स प्लस टेन इज ट्वाइस टेन तो एक्स इज इक्वल टू टेन सेकेंड था फिर से प्रेजेंट प्रेजेंट में एज एक्स है मैन का एज एक्स प्लस ट्वेंटी फोर है दोनों को इक्वेट करो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू थर्ड में दिया था अगेन टुडे राज की एज सत्रह पाँच साल बैक बैक मतलब माइनस फाइव तो माइनस फाइव सत्रह माइनस फाइव बारह राज की एज बारह साल थी और ये जो बारह था वो एक थी आई था रहीम का तो रहीम की एज अगर सपोज एक्स थी तो ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स बट ये सीन कब का है आज से पांच साल पहले का है तो आज कितना होगा थर्टी सिक्स प्लस फाइव फोर्टी वन ईयर ओके अब ये एक सवाल है वॉट इज द एज ऑफ तेजा बताना है चार साल पहले राजू वॉज एज ओल्ड एज तेजा इज एट प्रेजेंट पहला केस सीताज प्रेजेंट एज इज टू टाइम्स ऑफ राजूज प्रेजेंट एज सेकेंड क्वेश्चन एवरेज एज ऑफ तेजा एंड सीता इज नाइनटीन ईयर बड़ा अच्छा सवाल है इसको सब सॉल्व करिए बताइए वट इज द एज ऑफ तेजा तेजा की उम्र कितनी है फाइन देन सेकेंड है वैन राम वॉज बॉर्न हिज फादर वॉज थर्टी टू ईयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर एंड हिज मदर वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर राम ब्रदर इज सिक्स ईयर्स ओल्डर देन राम एंड हिज मदर इज थ्री ईयर्स यंगर देन हिज फादर सो हाउ ओल्ड वॉज राम सिस्टर वैन राम वॉज बॉर्न अभी सवाल बड़ा आसान है प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आएगी रीडिंग हैबिट में इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज करता हूँ रीड राइट कॉम्प्रिहेंशन देन एजिस ऑफ अनुष्का काजल एंड चारू टूगेदी सेवन ईयर है भारतीय अनुष्का सेल्डरुष्काजल एंड चारू क्या है अगेन सोल्व दिस क्वेश्चन तीनों का एज बताइए फॉर टूडे दिस इज सी सेट सोल संदेशन पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दिस इज डब्ल्यू टी ओ स्नेक्स अंडमान एंड निकोबार रिसर्च एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी बी आई टी एंड दिस ट्रंप प्लान एंड दिस पलस्तीन बाइडन्स प्लान एंड पलस्तीन टैक्सेशन ऑफ फार्मा दिस इज अबाउट फायर क्रैकर दिल्ली पुलिस टू थर्टी नाइन डबल ए एंड ए बी और ये बात है प्राइवेसी की सो दिस इज सिक्सटीन ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ